नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम अंशुल है। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कैंसर एसेंडेंट या कर्क लग्न के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे खाली पत्री देख के आप पता लगा सकते हैं कि कैंसेरियन एसेंडेंट कौन सा है या कर्क लग्न कौन सा है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, अगर फर्स्ट हाउस में नंबर 4 लिखा हुआ है तो वो कर्क लग्न कहलाता है। अगर मून भी फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है तो वो राशि भी कैंसेरियन और कर्क हो जाती है। कैसे होते हैं कर्क जातक, आइए बात करते हैं। ये लोग बहुत ही हाइपर एक्टिव होते हैं, ये लोग बहुत सेंसिटिव इमोशनल लोग होते हैं, ये लोग अपने प्लान्स के साथ बहुत कंसिस्टेंट रहते हैं। जब तक इनकी जो प्लानिंग है कंप्लीट ना हो जाए और इम्प्लीमेंट ना हो जाए तब तक ये उसके साथ स्टिक रहते हैं, लगे रहते हैं। मतलब ये लोग एक काम में स्टेबल होते हैं, ये लोग क्रिटिसिज्म बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर आप इनकी कोई बुराई करें, क्रिटिसाइज करें तो ये दिल पे ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इमोशनल लोग होते हैं। ये लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इनसे कोई राय चाहिए तो आप विश्वास रखिए, ये और किसी से नहीं बोलेंगे और बहुत प्रेम से, बहुत अच्छे से आपकी बात सुनेंगे और जो राय भी देंगे वो बहुत सही राय देंगे, कुछ गलत राय आपको नहीं देंगे। बहुत अच्छे एडवाइजर्स और काउंसलर्स होते हैं, बहुत पैशनेट होते हैं, लगे रहते हैं अपने काम में, और जैसे कि मैंने बताया हाइपर सेंसिटिव होते हैं ये लोग। ये लोग हमेशा दूसरे की हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं। कहीं पर भी अगर आपको इनकी हेल्प चाहिए किसी भी टाइम, तो ये आपको आपके साथ खड़े हुए मिलेंगे। ये लोग अपने पेरेंट्स से, स्पेशली अपनी मदर से बहुत अटैच होते हैं। ये लोग अपने पार्टनर, अपनी फैमिली में अपने स्पाउस के साथ बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं, ट्रस्टवर्दी लोग होते हैं, लॉयल अच्छे लोग होते हैं। ये अटैच रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ जैसे कि मैंने बताया, और ये आउट ऑफ द वे जाकर भी लोगों की हेल्प करते हैं। ये लोग लोगों को अगर आप थोड़ा सा स्पेस दें तो ये कहीं से कहीं पहुंचते हैं, स्पेशली इन्हें थोड़े से मोटिवेशन की जरूरत होती है। तो दोस्तों, ये था कैंसेरियन असेंडेंट के बारे में। नीचे सब्सक्राइब बटन है, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि और ऑकुल्ट के